महंगा होने के कारण सरसों की मांग पहले के मुकाबले 10 से 12 फीसद कम हुई है, लेकिन जितनी भी मांग है उसके मुकाबले सप्लाई बहुत ही कम है। पिछले साल मंडियों में लगभग 1.5 लाख बोरी की आवक देखने को मिली थी और सहकारी संस्थाएं हाफेड, नाफेड और राज्य सरकार की एजेंसियां रोजाना 2 से 2.25 लाख बोरी बेच रही थी, क्योंकि उन्होंने पहले से सरसों खरीद रखा था। इस बार तो इन संस्थाओं के पास भी कोई स्टॉक नहीं है। इस परिस्थिति के मद्देनजर कुछ सरसों विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को गेहूं की ही तरह सरसों का भी लगभग 10 लाख टन का स्थायी स्टॉक रखना चाहिए, जो समय पर काम आ सके। जानकारों का कहना है कि यह इसलिए भी बेहतर है क्योंकि सरसों 10-12 साल खराब नहीं होता और आगामी सर्दियों के मौसम में सरसों की मांग बढ़ने की उम्मीद है। और देखा जाए तो इस तेल का फिलहाल कोई दूसरा विकल्प नहीं है जिसका सोयाबीन की तरह आयात किया जा सके। अगर अन्य तेल और तिलहनों की बात करें तो मंडियों में नई फसलों की आवक बढ़ने के बीच बीते सप्ताह सरसों, मूंगफली, बिनोला, सोयाबीन के भाव में गिरावट देखने को मिली, जबकि विदेशों में भाव मजबूत होने से सोयाबीन और पामो तेल के भाव में मजबूती बनी। मंडियों में मूंगफली की भी नई फसल की आवक शुरू होने वाली है और दूसरी तरफ बिनोला की आवक शुरू हो चुकी है। नई फसल आने के समय सामान्य तौर पर हाजिर भाव टूटते हैं, वहीं मंडियों में किसानों को मूंगफली का अपना पुराना माल भी बेचते देखा गया है। आपको बता दें कि पहले पामोलिन का आयात सस्ता पड़ता था और अब ये महंगा पड़ने लगा है। यही वजह है कि पामोलिन तेल के दाम मजबूत हुए हैं। वहीं वायदा में जो सरसों की कीमतें गिरती दिखाई दी थी, अब वापस से मजबूती की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। जानकारों का मानना है कि त्योहारों के मद्देनजर सरसों की मांग बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।